Hey guys, good morning to all. I hope आपको मेरी voice audible है, video properly visible है, ठीक है? Kapil, yes, ये live class है, okay? तो गाइज आज का टॉपिक क्या है, आप सबको पता है आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उन सबको कवर करेंगे। मार्च टू अगस्त जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है उन सबको मैं कवर कराने वाली हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक्स है उसकी हमारी एक अलग क्लास होगी, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम आज के सेशन में नहीं देखेंगे। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम देखेंगे 21 सितंबर को, ओके? तो हमारे पास बहुत सारे न्यूज़ है, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की खबरें हैं। चलिए फटाफट इन न्यूज़ को देखते हैं, इनमें से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेडी? तो फटाफट सब सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो रही है, वो फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें, ओके? स्टार्ट करें अपने आज के सेशन को। चलिए तो आज का पहला सवाल देखते हैं, और पहला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द एटियन ग्लिचिज अवार्ड इन मई 2021? यानी एटियन ग्लिचिज अवार्ड जो है वो इस बार किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है, ये आपको मुझे बताना है। BCCI, हॉकी इंडिया, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और नन ऑफ दीज? कोई बात नहीं कपिल, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, बताइए एम्बिशियस बाबा चैनल के बारे में चीज़ों को, तो फिर धीमे धीमे बाकी बच्चों को पता चलेगा। तो हम यहाँ देखते हैं क्या एटियन ग्लिचिज अवार्ड के बारे में, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता, ये जीता हॉकी इंडिया ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। गाइस ध्यान रखिएगा, हॉकी इंडिया, स्पेशली हॉकी हमारा पिछले कुछ टाइम में काफ़ी न्यूज़ में है, और यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। Who has won the World Sportsman of the Year Award at the Lores World Sports Award 2021? आपके लिए Lores World Sports Award पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ एक सवाल पूछ रही हूँ और आपको लिस्ट दूंगी, आपको वो कंप्लीट लिस्ट रिवाइज कर लेनी है। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार किसको गया है, आपको मुझे ये बताना है। और ये अवार्ड गया है टेनिस चैम्पियन, स्पेन से आते हैं ये, और इनका नाम है राफेल नडाल, ठीक है? तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको ये पूरी लिस्ट याद करनी है, इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। स्पोर्ट्समैन राफेल नडाल, विमेन नियोमी ओसाका, टीम बायर्न म्यूनिक, उसके बाद ब्रेक थ्रू पैट्रिक महमोज, ये पूरी लिस्ट आपको याद कर लेनी है। मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ रिवाइज नहीं करा रही हूँ, बट आपका काम है इसको लर्न करना, ओके? डन, चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। The ICC has inducted which of the following country as new member at its 78th annual general meeting? तो आपको मुझे ये बताना है, अभी 78th annual general meeting हुई किसकी, ICC की, उसमें कुछ teams को induct किया गया, आपको मुझे ये बताना है इनमें से कौन सी team induct की गई है। और क्या कोई मुझे ये बता सकता है अभी ICC में total कितनी teams हैं? सवाल क्लियर है मेरा? एक सेकेंड गाइज, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारी टीम्स को ही इंडक्ट किया गया है, कहाँ, आईसीसी में, ओके? 104 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आ जाओ, गुड मॉर्निंग। हु वॉन द स्पार्क्सन ट्रॉफी एट डॉर्टमुंड? अब आपको मुझे बताना है ये डॉर्टमुंड कहाँ है, और वहाँ स्पार्क्सन ट्रॉफी इनमें से किसके द्वारा जीती गई है। 104 है, ये 106 है, चलिए ये अच्छा सवाल है, आपको मुझे बताना है आईसीसी में टोटल कितनी टीम्स हैं अभी, ये आपका फटाफट मुझे आंसर करना है, ठीक है? चलो बढ़िया, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है गाइस? यहाँ करेक्ट आंसर है विश्वनाथ आनंद। इसको किसके द्वारा जीता गया है? इसको जीता गया है विश्वनाथ आनंद के द्वारा, जो आपको याद रखना है।
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, आईसीसी में टोटल टीम्स 106 हैं, 106 हैं, 104 नहीं हैं. ओके, 106, यस 106 करेक्ट आंसर है. जेमिसन हैरिसन हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू रो एटलांटिक ओशन फ्रॉम विच कंट्री शी बिलोंग्स टू. तो अभी रिसेंटली जेसमिन हैरिसन सबसे कम उम्र की महिला बनी है एटलांटिक ओशन को क्रॉस करने वाली. आपको मुझे ये बताना है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं. यस कपिल, मैं पीडीएफ भी देती हूँ, बिल्कुल पीडीएफ भी आपको मिलेगी. चलिए तो मुझे यहाँ फटाफट आंसर कर दीजिए. एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट गाइस, सही जवाब क्या है, किस देश से आती हैं ये, यूके से बिलोंग करती हैं. कहाँ से करती हैं, यूके से बिलोंग. और ये सबसे कम एज की क्या बनी है, विमेन बनी है टू क्रॉस एटलांटिक ओशन. चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं. अच्छा अगर आपसे इनकी एज पूछ ली जाए तो ये 21 ईयर्स 70 डेज की हैं, 21 ईयर्स की हैं. और इन्होंने क्रॉस कितने टाइम में किया है, 70 डेज 3 आवर्स और 48 मिनट्स में. ओके चलो, हु हैज टॉप फोर्ब्स वर्ल्ड 10 हाईएस्ट पेड एथलीट 2020 लिस्ट. दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कमाई वाले एथलीट 2020 की सूची में इनमें से कौन टॉप पर है. सवाल क्लियर है मेरा, यानी इस बार इस साल सबसे ज्यादा पेड एथलीट कौन है. और मुझे साथ ही साथ इनका स्पोर्ट्स बताइएगा, साथ ही साथ मुझे इनकी कंट्री बताइएगा. अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पेड एथलीट इस बार कौन है, तो वो है कॉनर मैकग्रोंग. कौन है, कॉनर मैकग्रोंग. इनका स्पोर्ट क्या है गाइस, बॉक्सर है ये, एमएमए गाइस, बॉक्सिंग नहीं, एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स. ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं ये, ध्यान रखिएगा. अगला सवाल देखिए, हु हैज बीन नेम्ड द AIIF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 सीजन. यानी इस बार का AIIF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया है. मैं आपको जितनी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है वो सारे बताऊंगी. ठीक है, तो AIIF का पुरुष फुटबॉलर या मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया है. कंट्री, चलिए आप मुझे कंट्री बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी. यहां करेक्ट आंसर क्या है गाइज, इस बार बने हैं संदेश झिंगन. क्या नाम है, संदेश झिंगन. ये बने हैं फुटबॉलर ऑफ द ईयर. अगर हम विमेन कैटेगरी में बात करें तो बाला देवी, इमर्जिंग की बात करें तो मनीष और सुरेश, और बेस्ट रेफरी की बात करें तो तेजस. ये लिस्ट है जो आपको याद कर लेनी है. आपके लिए मेंस फुटबॉलर और विमेन फुटबॉलर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इमर्जिंग भी याद रखिएगा. क्लियर है, चलो आ जाओ. Who among the following has won gold in 53 kg freestyle at outstanding Ukrainian wrestler and coaches memorial tournament at Kyiv, Ukraine? तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि outstanding Ukrainian wrestling and coaches memorial tournament कहाँ हुआ, Ukraine की capital Kyiv में. वहाँ 53 kg category में gold medal किसने जीता था. कुछ भी नहीं रहेगा विकास, डोंट वरी, कुछ भी नहीं बचेगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ध्यान रखिएगा 53 kg कैटेगरी में एक बहुत फेमस प्लेयर हमारी खेलती हैं, वो कौन है, विनेश फोगाट. और विनेश फोगाट ने ही गोल्ड मेडल जीता है, तो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट. ओके हाँ, देखिए फोगाट को लेकर आपको पता है काफी सारी चीजें हुई अभी ओलंपिक में, हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, बट आपको याद रखना है. हीरो इंडिया विमेंस लीग 2021 एडिशन विल बी होस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. यानी हीरो इंडिया विमेंस लीग 2021 का जो एडिशन है वो इनमें से किस राज्य में होगा. ठीक है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु. सवाल क्लियर है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप इजिली आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का. ओलंपिक टाइम पर, हॉकी टाइम पर ये स्टेट बहुत ज्यादा न्यूज में था. क्यों, क्योंकि ये वो स्टेट है जिसने एक्चुअली में हॉकी के लिए बहुत काम किया है. एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा. ओडिशा पिछले कुछ टाइम में स्पोर्ट्स को लेकर काफी ज्यादा काम कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा. हु
Who among the following has won the men's single title at 2021 Uganda International Badminton Tournament in Kampala? तो युगांडा की कैपिटल कंपाला में युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, वहां मेन सिंगल और विमेन सिंगल दोनों ही इंडियन प्लेयर्स ने जीता है। मेन सिंगल किसने जीता? क्लियर है सवाल मेरा? साथ ही साथ विमेन सिंगल किसने जीता है मुझे इसका भी आंसर करिएगा। तो अगर हम बात करें मेन सिंगल की, मेन सिंगल जीता था वरुण कपूर ने, और अगर हम बात करें विमेन सिंगल की तो वो जीता था मालविका बंसोद ने। ठीक है, तो मेन सिंगल का करेक्ट आंसर है वरुण कपूर, विमेन सिंगल का करेक्ट आंसर है मालविका बंसोद। विच स्टेट यूपी टॉप्ड इन सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के सेकेंड एडिशन में इनमें से कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी टॉप पर रहा है? पिछले साल यानी फर्स्ट एडिशन में भी यही जगह टॉप पर थी, टूर्नामेंट भी यही होता है, अब जगह क्या है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, कहां हुआ था ये? गुलमर्ग में, एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एडिशन और सेकेंड एडिशन दोनों ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा यूनियन टेरिटरी टॉप पर रहा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ये टूर्नामेंट कहां हुआ? ये टूर्नामेंट हुआ गुलमर्ग में। आइए फिर अगला सवाल देखते हैं। हु हैज वॉन अ सिल्वर मेडल एट द 72nd स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन सोफिया बुल्गेरिया? तो सबसे पहले 72nd स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट कहाँ हुआ? ये हुआ सोफिया बुल्गेरिया में। इनमें से किसने यहाँ सिल्वर मेडल जीता था बताइए, किसने जीता था? यस विनोद, बिल्कुल। तो यहाँ सिल्वर मेडल जीता गया था किसके द्वारा? यहाँ सिल्वर मेडल जीता गया था दीपक कुमार के द्वारा। तो दीपक कुमार करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 72nd स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडलिस्ट थे दीपक कुमार। ओके, विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द आईएसएल लीग फुटबॉल विनर शील्ड? आईएसएल लीग फुटबॉल विनर शील्ड इस बार किस टीम ने जीती है ये आपको मुझे बताना है। सवाल क्लियर है? आंसर करिए, किसने जीता था? तो आईएसएल लीग फुटबॉल विनर टीम जो थी वो है मुंबई एफसी, बीट मोहन बगान। यस, एटीके को इन्होंने हराया था और मुंबई सिटी एफसी जो है वो विनर थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुंबई सिटी एफसी। अगला सवाल देखते हैं। विच सिटी विल होस्ट द 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021? 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 कहाँ होना है? ये वही जगह है जहां क्या होना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होना है। गुरपिंदर, डेफिनेटली, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आंसर कर दिया मुझे फटाफट। गुड मॉर्निंग, 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप होनी है पंचकुला में गाइस। कहाँ होनी है? पंचकुला हरियाणा में, और आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी यही होना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, याद रहेगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन हिज थर्ड एलन बॉर्डर मेडल? अपना तीसरा एलन बॉर्डर पदक इनमें से किसके द्वारा जीता गया है? यही देश बेलिंडा क्लार्क अवार्ड भी देता है, वो किसने जीता था? ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में दो अवार्ड दिए जाते हैं, एक दिया जाता है एलन बॉर्डर और एक दिया जाता है बेलिंडा क्लार्क। आपको मुझे ये बताना है एलन बॉर्डर तीसरी बार किसने जीता और इस बार बेलिंडा क्लार्क किसने जीता था। तो अगर हम बात करें एलन बॉर्डर मेडल की तो ये किसने जीता था? ये जीता था स्टीव स्मिथ ने। मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया कि ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टीव स्मिथ, ये उन्हीं के कंट्री के प्लेयर्स को मिलता है। और वही मैंने आपसे पूछा बेलिंडा क्लार्क अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला था बेथ मूनी को। क्लियर, तो थर्ड एलन बॉर्डर मेडल स्टीव स्मिथ, बेलिंडा क्लार्क अवार्ड पहली बार बेथ मूनी को मिला है। हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन फर्स्ट एवर एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप? तो पहले एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में इनमें से किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था ये आपको मुझे बताना है। ठीक है,
काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी इंडिया को इनसे ओलंपिक में, बट उस लेवल का चीज़ें नहीं हो पाई। और हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है सौरभ चौधरी। तो फर्स्ट एवर एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट थे सौरभ चौधरी। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन 55 kg कैटेगरी इन नेशनल विमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप, यानी 55 kg 55 kg कैटेगरी में नेशनल विमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इनमें से किसके द्वारा जीता गया है? ओके, सवाल क्लियर है मेरा? हाँ, ऑनलाइन। देखिए, इस बार काफी सारी चीजें वर्चुअल हुई हैं, तो उन्हीं में से कई सारे जो शूटिंग चैंपियनशिप है वो ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, और यहां करेक्ट आंसर क्या है? यहां करेक्ट आंसर है अंजू पंघल। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है वापस से ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट यूएई गोल्डन वीजा? तो यूएई गोल्डन वीजा रिसेंटली काफी सारे न्यूज में है, संजय दत्त के कारण ये न्यूज में आया था, और पहली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जिनको ये मिला है। आसान सवाल है, मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करते हैं। अगर आपने एक बार इसे पढ़ा हुआ है तो आप इसे करेक्ट करके ही आएंगे। और मैंने बोला है स्पोर्ट्स पर्सन, ध्यान से रीड करिए मैंने सवाल क्या पूछा है। फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन गाइस, शाहरुख खान स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, संजय दत्त स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, शोएब मलिक हमारे देश से बिलोंग नहीं करते गाइस, सानिया मिर्जा इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट यूएई गोल्डन वीजा, सानिया मिर्जा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था गाइस। हु इज द विनर ऑफ मेन सिंगल इन योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021? तो आपको पता है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, इसमें मेन सिंगल किसने जीता और विमेन सिंगल किसने जीता? ठीक है, साथ ही साथ मुझे इन दोनों प्लेयर्स का देश भी बताइएगा, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करें मेंस कैटेगरी की, तो मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है, मतलब ये टूर्नामेंट जीता है ली जीजिया ने। किसने जीता है? ली जीजिया, जो कि मलेशिया से आते हैं। विक्टर एरिक्सन ने नहीं जीता था, ली जीजिया ने जीता था। वहीं अगर हम बात करें विमेन कैटेगरी की, तो विमेन कैटेगरी में ये जीता था नोजोमी ओकुहारा ने, जो कि जापान से आती हैं। क्लियर है मेरा सवाल? तो मेन सिंगल इन यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप मेंस कैटेगरी ली जीजिया मलेशिया, विमेन नोजोमी ओकुहारा जापान। ठीक है, विक्टर एरिक्सन नहीं जीते थे, डेनमार्क से। आइए अगला सवाल देखते हैं। नेम द एथलीट हु रिसेंटली सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 3000 स्टेपल चेज इन द फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप। अब देखिए, ये जो प्लेयर थे इन्होंने ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था स्टेपल चेज में, और इन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेज में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि पटियाला में हुई थी। क्लियर है मेरा सवाल? अब इनमें से स्टेपल चेस के प्लेयर कौन है, ये अगर आपको पता हो तो आप आंसर कर सकते हैं मुझे। ठीक है, इनमें से स्टेपल चेस के जो प्लेयर है उनका नाम है अविनाश सबले। गाइस, अविनाश सबले इज द करेक्ट आंसर। ये हैं स्टेपल चेस के प्लेयर, और ओलंपिक में इंडिया को स्टेपल चेस में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यस, Who among the following has won a gold medal in parachuting World Cup 2021? Parachuting World Cup 2021 में gold medal किसने जीता, और Paralympics में भी इन्होंने medal जीता है। जब मैं आपको Tokyo Olympic और Paralympics पढ़ाऊंगी तो मैं वहां आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो Parachuting World Cup 2021 में इनमें से किसके द्वारा gold medal जीता गया है? ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज क्या है? करेक्ट आंसर है सिंगराज। क्या है? सिंगराज। देखिए, इनमें से जितने प्लेयर्स हैं ना, ये सारे पैरालंपिक्स वाले प्लेयर हैं, बट शूटर इनमें सिर्फ एक ही नाम है और वो है सिंगराज। ठीक है, चलो
विच क्रिकेट टीम हैज वॉन दैट 2021 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 इनमें से किसके द्वारा जीती गई है, ये आपको मुझे फटाफट बता देना है। क्लियर है? सवाल क्लियर है मेरा? तो फटाफट आंसर कर दीजिए, सबको इसका आंसर पता होगा। और आंसर क्या है? आंसर है इंडिया लेजेंड्स। ठीक है, इंडिया लेजेंड्स ने ये टूर्नामेंट जीता था, टूर्नामेंट हुआ था रायपुर में, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यस, चलो। हु हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया इन विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, यानी भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में इनमें से किसके द्वारा जीता गया था। ठीक है, हमारे शूटर्स की परफॉर्मेंस इस बार ओलंपिक में वैसी नहीं रही जैसा कि एक्सपेक्टेशन था, जैसा कि वर्ल्ड लेवल पे वो वर्ल्ड कप वगैरह में परफॉर्म करते थे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है गाइस? 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था यशस्विनी देसवाल ने। किसने जीता था? यशस्विनी देसवाल ने। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच मुझे तुषार अभी तो याद नहीं है किस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच कौन था। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, युवराज सिंह या यूसुफ पठान में से कोई था शायद। अच्छा, याद रखिएगा, इस वर्ल्ड कप में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर रहा था 16 गोल्ड 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ। ठीक, गर्ल गैंग हैज बीन अनाउंस एज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 विल बी होस्टेड इन विच कंट्री। तो आपको मुझे ये बताना है, गर्ल गैंग जो गाना है ये ऑफिशियल सॉन्ग बना है किसका? आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का। ये टूर्नामेंट कहाँ होना है? साथ ही साथ गर्ल गैंग की सिंगर कौन है? सवाल क्लियर है मेरा? ठीक है, सबसे पहले टूर्नामेंट कहाँ होना है? ये टूर्नामेंट होना है न्यूजीलैंड में। तो याद रखिए, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होना है? न्यूजीलैंड में। और इसकी सिंगर का नाम, इसकी सिंगर का नाम गिन विगमोर। क्या नाम है? गिन विगमोर। ओके, तो दोनों चीजें याद रखिएगा। द रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप इन विच सिटी। द रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनमें से किस जगह पर सेटअप किया जाना है, इसकी बात हुई थी और आपको यह याद रखना है। कहां सेटअप होना है? और यह सेटअप होना है लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नहीं, हॉकी सेंटर सब ओडिशा नहीं हो जाएगा। वेब बेस्ड एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म हीरोज कनेक्ट हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीरोज कनेक्ट का पर्पस है कि इस स्पोर्ट्स में जितने भी फेमस प्लेयर्स हैं, जितने भी वेटरन्स हैं, उनके एक्सपीरियंस को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। तो हीरोज कनेक्ट इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको मुझे बताना है। सवाल क्लियर है? हॉकी इंडिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी इंडिया। Who has been named the leading cricketer in the world for a second consecutive year in 2021 edition of Wisden Cricketers Almanac? ठीक है, यानी Wisden Cricketers Almanac के according लगातार दूसरी बार कौन player of the year बना है या leading cricketer है? ये वही player हैं जिन्होंने अभी फिलहाल के लिए क्या कर लिया है, gap ले लिया है cricket से। कौन है ये? बेन स्टोक। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक हैं ये। ठीक है, तो गाइज यहां आपके सामने लिस्ट है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अभी आपको पता ही है ओडीआई की जो पहला ओडीआई खेला गया था वहां से 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, तो बहुत सारी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया जिसमें कि ऑलराउंडर जो इंग्लैंड के हैं वो बने क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और विमेन में बनी कौन? बेथ मूनी। विराट कोहली ओडीआई प्लेयर ऑफ 2010, 90s के सचिन तेंदुलकर, 80s के कपिल देव। ठीक है, आ जाओ।
वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट 34th एडिशन ऑफ सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन अलमाती कजाकिस्तान. तो 34th एडिशन ऑफ सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अलमाती कजाकिस्तान में हुई. आपको मुझे ये बताना है इसमें इंडिया की पोजीशन क्या थी. यस ठीक है, सवाल क्लियर है मेरा. चलिए फिर आंसर करिए मुझे. गाइस आज काफी कम बच्चे आए, कहाँ रह गए आज सारे. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड. मैं आपको टोटल दिखा देती हूँ. ये इंडिया की पोजीशन है, ये इंडिया का टोटल मेडल है. फर्स्ट पे ईरान और सेकंड पर, या फर्स्ट पे आप बोल सकते हैं, फर्स्ट पे दो टीमें थी, एक थी ईरान एक थी कजाकिस्तान, दोनों के नंबर ऑफ मेडल्स सेम ही थे. ठीक है, इसमें इंडिया को जो गोल्ड मेडल मिला है उन कुछ गोल्ड मेडलिस्ट का मैं नाम आपको दे दिया है पांचों, एक बार आप इसे चाहे तो रीड कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब हैज वॉन द 2021 कोपा डेल रे, यानी कोपा डेल रे जो टूर्नामेंट है वो इस बार किसने जीता था, ये आपको मुझे बताना है. मैन सिटी, चेल्सी, लिवरपूल, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड. कोपा डेल रे किसने जीता था ये आपको मुझे बताना है. और कोपा डेल रे किसने जीता था, बार्सिलोना ने. किसने जीता था, बार्सिलोना ने. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. चलिए मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ कौन सी टीम ने क्या क्या जीता है. लीग कप और ईपीएल यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी ने जीता है. उसके बाद हम बात करें एफए कप, जिसको फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप भी कहा जाता है, इसको पहली बार जीता है लेस्टर सिटी ने. चैंपियन लीग विमेन कैटेगरी का जीता है बार्सिलोना ने, और मेंस कैटेगरी का जीता है चेल्सी ने. कोपा अमेरिका 2021 जीता है अर्जेंटीना ने, 28 साल बाद आफ्टर 28 ईयर्स इन्होंने कोई मेजर टूर्नामेंट जीता है. यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 जीता है इटली ने, और ला लीगा टाइटल जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने. तो ये इस साल के इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं फुटबॉल के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से. ओके चलो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द 68th इंडियन ग्रैंड मास्टर. तो देखिए 68th और 69th दोनों ही आपको याद रखना है. पहले मुझे ये बताइए कि 68th इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं. ध्यान से आंसर करिएगा, एग्जाम में 68th और 69th कोई भी पूछा जा सकता है. तो अगर हम बात करें 68th की, तो 68th कौन जीता था, 68th जीता था अर्जुन कल्याण ने, जो कि कहां से आते हैं, तमिलनाडु से. 69th भी मैं आपको बताऊंगी आगे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है. चलिए, हु हैज वॉन द एमिलिया रोमांगना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 इन इटली. तो एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जो है वो इस बार किसने जीता था, ये आपको मुझे बताना है. सवाल क्लियर है, ठीक है, फिर मुझे फटाफट इसका आंसर कर दीजिए. तो अगर हम बात करें एमिलिया रोमांगना, तो ये जीता था मैक्स वेटेस्पन ने. अब हम देख लेते हैं इस साल के ग्रैंड प्रिक्स. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है तीन ग्रैंड प्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, पोर्चुगीज, स्पैनिश और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन. अजरबैजान, ये जीता था सर्जियो पेरेस. फ्रेंच, स्टीरियन, ऑस्ट्रियन, मोनैको और इमिलिया, ये जीता है मैक्स वेटेस्पन ने. हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने, एस्टेबन ओकन ने. इसे याद कर लीजिएगा, यहां मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है जो आपको लर्न कर लेनी है. डन, चलो फिर. हु हैज वॉन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2021 टेनिस टाइटल. मोंटे कार्लो मास्टर 2021 टेनिस का खिताब इनमें से किसके द्वारा जीता गया है. ठीक है, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, डेनिस शैपोलोवा और स्टेफानो तित्सिपास. तो अगर हम बात करें मोंटे कार्लो मास्टर्स 2021 का, तो इसको जीता है स्टेफानोस तित्सिपास. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. यस, हु हैज वॉन मेन सिंगल टाइटल एट जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट. हमने पहले बार्सिलोना पढ़ा, अब जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया था. नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्परस रूड, डेनिस शैपोलोवा और स्टेफानो तित्सिपास.
जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट इनमें से किसके द्वारा जीता गया था? देखिए टेनिस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है तो। और यहां करेक्ट आंसर क्या है? यहां करेक्ट आंसर है कैस्पर रूड। ठीक, अगला देखिए, बार्सिलोना ओपन टेनिस टाइटल 2021। क्या बोला मैंने? बार्सिलोना ओपन टेनिस 2021 किसने जीता है बताइए मुझे? अर्जेंटीनिया डियागो, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और राफेल नडाल। तो अगर हम बात करें बार्सिलोना ओपन टेनिस टाइटल 2021 तो ये जीता है किसके द्वारा? राफेल नडाल के द्वारा। राफेल नडाल ने ये टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, चलो फ्रेंच ओपन 2021। अब आपको जो चार ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको रट लेना है, एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले फ्रेंच ओपन 2021 का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? गाइस इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जनरली आप याद रखते हैं। तो इस बार के फ्रेंच ओपन के विनर कौन है गाइस? इस बार के फ्रेंच ओपन के विनर हैं नोवाक जोकोविच। देखिए यूएस ओपन को छोड़कर इस बार इस साल के तीनों मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने ही जीते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ थोड़ी सी डिटेल किसके बारे में, फ्रेंच ओपन के बारे में। तो मेन सिंगल के विनर कौन है? नोवाक जोकोविच, और इन्होंने फाइनल में ग्रीस के स्टेफनोस को हराया था। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सिंगल्स में रनर अप भी याद रखना है। विमेन सिंगल जीता है किसने? बारबरोरा ने, और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? एनेस्टेसिया को। बारबरोरा जो है ये चेक रिपब्लिक से आती हैं। मेंस डबल निकोलस और पियरे, विमेन्स डबल बेसिकली बारबोरा और कैटरीना, और मिक्स डबल कौन है? डेसियारे एंड जोई। तो यहां आपको मैंने क्या बोला, आपको मेन सिंगल और विमेन सिंगल तो रटा होना चाहिए, इसके आपको विनर और रनर अप याद रखने हैं, साथ ही साथ आपको बाकी जो डबल्स हैं उनके विनर्स याद रखने हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन? इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन सिंगल फाइनल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन का विमेन सिंगल फाइनल किसने जीता? ध्यान से आंसर करिएगा, किसने जीता था? सवाल क्लियर है मेरा? चलो यहां करेक्ट आंसर क्या है गाइस? यहां करेक्ट आंसर, अब मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में पूछूं तो यहां करेक्ट आंसर है नियोमी ओसाका, जो कि जापान से आती है। तो अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के विनर की तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। मेन सिंगल वापस से नोवाक जोकोविच, इन्होंने फाइनल में मेडवेडेव को हराया था। नियोमी ओसाका विमेन कैटेगरी में विनर, इन्होंने फाइनल में जेनिफर को हराया था। डबल्स में विनर फिलिप और इवान, और उसके बाद विमेन्स डबल में विनर एलिसी और आर्याना, और मिक्स डबल में विनर कौन? बारबोरा और राजीव। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आपको क्या क्या याद रखना है। आपको विनर याद रखना है, आपको रनर अप याद रखना है, साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि ये टूर्नामेंट का फाइनल या लोकेशन क्या है। ठीक है, एक बार पूछ लिया गया था ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है मेलबर्न में। ठीक है, कई बार ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये भी एक बार रीड कर लेना है। ओके, उसके बाद देखते हैं विंबलडन। विंबलडन 2021 का विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? विंबलडन 2021 का विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता बताइए फटाफट मुझे। एश्ली बार्टे, सिमोना हेलेप, सेरेना विलियम्स, कैरोलिना और नियोमी ओसाका। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया सॉरी विंबलडन 2021 की तो यहां विनर कौन थी? एश्ली बार्टे। ठीक है, एशली बार्टे इज द करेक्ट आंसर। वापस से यहां मैं आपको ये लिस्ट दे रही हूं, आपका काम है इसको याद करना। मेन सिंगल नोवाक जोकोविच, विमेन सिंगल एशली बार्टे जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, विमेन्स डबल निकोला और मैटे, विमेन्स हैशी और एलिसी, और मिक्स नियाल और डेजरे। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद कर लेनी है। इन क्वेश्चंस में आपका यूएस ओपन इंक्लूड नहीं है क्योंकि यूएस ओपन सितंबर की न्यूज है, बट आपको चारों ही ग्रैंड स्लैम रट लेने हैं। ठीक है, ओके,
विच इंडो अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाई विनिंग द जूनियर चैंपियनशिप टाइटल एट विंबलडन. तो विंबलडन में इनमें से किस प्लेयर ने हिस्ट्री बनाई है और वो इंडो अमेरिकन है. अभिमन्यु मिश्रा, समीर बनर्जी, यूकू फाबरी, रोहन बोपन्ना, नन ऑफ दीज. टेनिस ओपन पीडीएफ. ओके, मैं टेनिस ओपन की पीडीएफ आपको कोशिश करूंगी कि मैं एक लिस्ट में आपको समराइज करके प्रोवाइड कर दूं. ठीक, फटाफट मुझे इसका आंसर करिए. एंड यहाँ करेक्ट आंसर क्या है गाइस? यहाँ करेक्ट आंसर है समीर बनर्जी. तो समीर बनर्जी जो है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की बाय विनिंग द जूनियर चैंपियनशिप टाइटल एट विंबलडन. ओके, हु हैज वॉन द मेडन WTA टाइटल एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर इन द टॉप 100 आफ्टर सानिया मिर्जा. तो अभी रिसेंटली किसने अपना WTA का मेडन टाइटल जीता था और वो सानिया मिर्जा के बाद दुनिया के टॉप 100 में इंक्लूड होने वाली बेसिकली पहली प्लेयर बन गई हैं. ठीक है, ये टेनिस में अभी जब ओलंपिक हुआ था तो वहां विमेन डबल में सानिया मिर्जा की बेसिकली पार्टनर भी थी. क्या नाम है इनका? एंड इनका नाम है अंकिता रैना. तो अंकिता रैना आपको टेनिस में सानिया मिर्जा के बाद किसी विमेन प्लेयर का नाम सुनने के लिए मिलेगा तो वो है अंकिता रैना. सो द करेक्ट आंसर इज अंकिता रैना, ऑप्शन नंबर डी. हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मुटुआ मैड्रिड ओपन टाइटल 2021 बाय बीटिंग मतेओ बेरेटिन. यानी मुटुआ मैड्रिड ओपन टाइटल अभी रिसेंटली किसके द्वारा जीता गया है? ओके, चलिए आंसर करिए मुझे इसका. क्या है आंसर? और इस टूर्नामेंट को किसने जीता? इस टूर्नामेंट को जीता था किसने? अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने. और विमेन्स में यह जीता था अरियाना सेबलेंका ने. ओके, इटालियन ओपन टाइटल 2021 किसने जीता? इटालियन ओपन 2021 का टाइटल किसने जीता? डोमिनिक थीम, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल एंड पैंचो गोंजालेस. इटालियन ओपन टाइटल इनमें से किसके द्वारा जीता गया? देखिए मैं आपको पता होगा टेनिस के जो ये कुछ और टूर्नामेंट्स होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रैंड स्लैम के अलावा वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं. और यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है राफेल नडाल. इटालियन ओपन टाइटल राफेल नडाल ने जीता था. और विमेन सिंगल किसने जीता था? ईगा ने. By defeating which of the following did Novak Djokovic win the Belgrade Open? अब आपको ये याद रखना है Belgrade Open किसने जीता? ये जीता Novak Djokovic ने. Novak Djokovic ने फाइनल में किसको हराकर ये टूर्नामेंट जीता था? ठीक है, सवाल क्लियर है. बेलग्रेड ओपन के विनर कौन थे? Novak Djokovic. और इन्होंने फाइनल में एलेक्स मॉलकन को हराया था. ओके, अगला सवाल देख लेते हैं. अगला सवाल है इंडिया बैग्स हाउ मैनी मेडल्स एट 2021 AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप. AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया के द्वारा कितने मेडल्स जीते गए? कितने मेडल जीते थे इंडिया ने? और यहां इंडिया ने जीते थे 11 मेडल गाइस, 11. ओके, देखिए मैं आपको यहाँ डिटेल दे देती हूँ. इंडिया टॉप पोजीशन पे था विद 11 मेडल. ये टूर्नामेंट हुआ था केल से पोलैंड में. 8 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज. ठीक है, आ जाओ. द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? वर्ल्ड TT चैंपियनशिप 2021 इनमें से किस जगह पर होने वाला है? इंडिया, चाइना, US, जापान, रशिया. बताइए करेक्ट आंसर क्या है. और करेक्ट आंसर है US. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर US में होगा गाइस. कहाँ होगा? US में. हु हैज वॉन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 हेल्ड एट क्रूसिबल थिएटर इन शेफील्ड यूके.
तो यूके शेफील्ड में टूर्नामेंट हुआ, वहां वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? और ये किस कंट्री से आते हैं? फटाफट आंसर करिए। सवाल क्लियर है? तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है मार्क सेल्बी ने। मार्क सेल्बी इज द करेक्ट आंसर और ये इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द नेशनल विमेन ऑनलाइन चेस टाइटल? नेशनल विमेन ऑनलाइन चेस टाइटल इनमें से किसके द्वारा जीता गया है? बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेशनल विमेन ऑनलाइन चेस टाइटल इनमें से किसने जीता है? इनमें से कुछ ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे गाइज। एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है वंतिका अग्रवाल। ठीक है, वंतिका अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूटली। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन की एम्बेसडर इनमें से कौन अपॉइंट हुए थे? ठीक है, पीवी सिंधु, मिशेल ली, डेविड बेकहम, मैरी कॉम, बोथ ए एंड बी। एंड करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, डेट इज पीवी सिंधु एंड मिशेल ली। आप क्या मुझे ये बता सकते हैं ये किस कंट्री से हैं? ठीक, अगला सवाल देखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम? इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन अपॉइंट किए गए हैं? मुरली कार्तिक, रमेश पवार, अमोल मजुमदार, अजित आगरकर और संजय बांगर। कैनेडा इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हेड कोच ऑफ इंडियन विमेन टीम कौन अपॉइंट हुआ गाइज? और हेड कोच ऑफ इंडियन टीम अपॉइंट किए गए हैं, हेलो राजीव, करेक्ट आंसर रमेश पवार, जो वापस से अपॉइंट हुए हैं। देखिए, रमेश पवार इससे पहले भी इंडियन विमेन टीम के हेड कोच रह चुके हैं। इन विच कंट्री विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेड? यानी विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2022 इनमें से कौन सा देश होस्ट कर रहा है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। सवाल क्लियर है मेरा? विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2022 इनमें से किस जगह पर होना है ये आपको मुझे बताना है। एंड अगेन करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। अगला सवाल देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन एमएमए टाइटल? एमएमए टाइटल को जीतने वाले पहले इंडियन ओरिजिन के फाइटर इनमें से कौन बने हैं? विजयन सिंह, अर्जुन भुल्लर, जिंदर महल, दलीप सिंह राणा और रितु फोगाट। आपको पता होगा रितु फोगाट भी एमएमए प्लेयर हैं। ओके, फटाफट मुझे बताइए इंडियन ओरिजिन के प्लेयर। ये देखिए, ये बॉर्न कनाडा में ही हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है अर्जुन भुल्लर। क्या है सही जवाब? अर्जुन भुल्लर। जिंदर महल आपको WWE में देखने के लिए मिलेंगे। दिलीप सिंह राणा, बताइए इनका हम किस नाम से जानते हैं? इन विच कंट्री फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2022? ठीक है, विजय सिंह बॉक्सर है, आपको पता होगा वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हैं, इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। यहां करेक्ट आंसर क्या है? फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप किस देश में होना है आपको मुझे ये बताना है। और फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो होना है हमारे खुद के देश में, यानी कि इंडिया इज करेक्ट आंसर। हु हैज बैग्ड द सिल्वर मेडल इन मेंस 73 केजी कैटेगरी ऑफ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021? जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में मेन 73 केजी कैटेगरी में इनमें से किसके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है? बताइए। प्रदीप सिंह, दीपक पुनिया, अंचिता शूली, राजेश पुनिया और जेरेमी। तो अगर हम बात करें यहां करेक्ट आंसर, तो ये है अंचिता शूली। अंचिता शूली इज द करेक्ट आंसर। ओके, Who among the following has won gold in 75 kg category at Asian Boxing Championship 2021 in Dubai? दुबई में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में 75 kg category में इनमें से किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है? पूजा रानी, मैरी कॉम, लाल बुसई, अनुपमा, बोथ ए एंड बी।
तो याद रखिएगा 75 kg कैटेगरी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो दुबई में हुआ, वहां मेडल जीता गया है पूजा रानी बोहरा के द्वारा, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आपको एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में बता देती हूँ, दुबई में हुआ, पहले पोजिशन पर कजाकिस्तान, फोर्थ पोजीशन पर इंडिया, इंडिया ने टोटल 15 मेडल जीते हैं जिनमें से 2 गोल्ड जीता, 1 गोल्ड जीता संजीत कुमार ने और 1 गोल्ड जीता पूजा रानी ने। ठीक है, आइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप। गाइज ये काफी ज्यादा न्यूज में था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो जरा फटाफट मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, गोल्ड मेडल एट 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप, और यहां करेक्ट आंसर है यस, प्रिया मलिक। ठीक है, तो ये टोटल मेडलिस्ट हैं, काफी सारे गोल्ड्स यहां इंडिया ने जीते थे, तो 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। अच्छा, ये टूर्नामेंट कहां हुआ था, ये टूर्नामेंट की लोकेशन मुझे बताइए कि टूर्नामेंट कहां हुआ था। Which of the following company has become ICC's official partner till 2023 तक ICC का official partner इनमें से कौन था, मतलब कौन बन गया है। सवाल क्लियर है मेरा, बताइए क्या है करेक्ट आंसर, फटाफट मुझे बता दीजिए सही जवाब क्या है गाइस। ठीक है, और यहां करेक्ट आंसर क्या है, यहां करेक्ट आंसर है भारत पे, करेक्ट आंसर क्या है भारत पे, याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर बाय ओवरटेकिंग लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को पिछाड़ते हुए दुनिया में सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर कौन बन गया है। सवाल क्लियर है मेरा, सुनील छेत्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और अभी ध्यान रखिएगा, ओवरऑल एक्टिव में तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा ओवरऑल भी ये टॉप रैंक पे पहुंच गए हैं। नेम द रेसलर हु हैज क्लिंच गोल्ड मेडल इन 53 kg कैटेगरी एट पोलैंड ओपन। पोलैंड ओपन में कौन से रेसलर हैं जिन्होंने 53 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। सवाल क्लियर है मेरा, देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है 53 kg कैटेगरी में हमारी एक बहुत फेमस रेसलर हैं जो खेलती हैं और उनका नाम है विनेश फोगाट। वीनू माकंद हैज बीन इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम अहेड ऑफ WTC फाइनल ही वाज डैश। तो वीनू माकंद एक कंट्रोवर्सी में भी आपको पता ही है फंसे थे, और ये इनमें से कौन है, यानी ये क्या खेलते थे, कि क्या थे, स्पिनर थे, विकेट कीपर थे, बैट्समैन थे, ऑलराउंडर थे, या बोथ, या फास्ट बॉलर। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये बैट्समैन थे। ठीक है, टोटल 10 प्लेयर्स इसमें इंडक्ट किए गए, ओवरऑल इसमें 103 प्लेयर्स हैं, और इंडिया से आपको ध्यान रखना है ये 7th नंबर के प्लेयर बने हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो यहां करेक्ट आंसर है बैट्समैन। चलो अगला सवाल देखें, हु हैज बीन नेम्ड डिफरेंशियली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर फॉर 2019। अभी ये वापस से न्यूज में है, गोल्ड मेडलिस्ट है पैरालंपिक में, और डिफरेंशियली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर में इनमें से किसको मिला है ऑनर। यस, ठीक है, तो ये भी आपको पता, ये काफी ज्यादा न्यूज में थे, और इन ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और इनका नाम है प्रमोद भगत। तो प्रमोद भगत साहब अभी बहुत न्यूज में है, ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द इनॉग्रल आईसीसी वर्ल्ड
टेस्ट चैंपियनशिप, सबको इसका आंसर पता होगा। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन वर्जन यानी पहला संस्करण जीता है? फाइनल में हारा कौन था, जीता कौन था? न्यूजीलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रन, मोस्ट रन्स, मास लबुशेन, विकेट रविचंद्रन अश्विन, वेन्यू फाइनल का क्या था, रोजबॉल साउथहैम्पटन, एंड प्लेयर ऑफ द मैच जेमिसन। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। विच कंट्री हैज वॉन द कोंका कैफ गोल्ड कप 2021 इन फुटबॉल? अब देखिए, ये बहुत रिसेंट का टूर्नामेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से ऐड कर दिया है। कोंका कैफ वर्ल्ड जो टूर्नामेंट होता है, ये इनमें से किसके द्वारा जीता गया है? पीडीएफ कहाँ मिलेगी कपिल? पीडीएफ आपको एम्बिशियस बाबा के टेलीग्राम ग्रुप पर और एम्बिशियस बाबा के व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो बताइए किसने जीता गाइस, और ये टूर्नामेंट जीता है किसने? ये टूर्नामेंट जीता है यूएसए ने। हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 हेल्ड इन पेरिस? तो ये भी काफी न्यूज में थी, इंडिया को इनसे भी ओलंपिक में काफी उम्मीदें थी, बट उस लेवल का चीजें नहीं हो पाई। तो चलिए देखते हैं, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट कौन थी? ठीक है, और आप सबको इसका आंसर पता है, एंड द करेक्ट आंसर इज दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली हु हैज वॉन कंपाउंड मेंस इंडिविजुअल गोल्ड इन आर्चरी वर्ल्ड कप? तो आर्चरी वर्ल्ड कप में मेंस कैटेगरी में इंडिविजुअल गोल्ड इनमें से किसके द्वारा जीता गया था? ठीक है, तो अभी हमने विमेन में पढ़ा, वहां हमने पढ़ा क्या, वहां हमने पढ़ा दीपिका कुमारी। आपको पता होगा दीपिका कुमारी ने बैक टू बैक 3 गोल्ड मेडल जीते थे सेम टूर्नामेंट में। और यहां करेक्ट आंसर क्या है? यहां करेक्ट आंसर है अभिषेक वर्मा। क्या है करेक्ट आंसर? अभिषेक वर्मा। ठीक है, ओके। नेम द ऑपरेशन टू स्केल सियाचिन ग्लेशियर बाय टीम ऑफ स्पेशल फोर्स वेटरन फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड सैंक्शन? यानी आपको मुझे उस ऑपरेशन का नाम बताना है जो क्या था, सियाचिन ग्लेशियर को अभी उन्होंने क्या क्या स्केल किया है, क्या नाम है? फटाफट मुझे आंसर करिए इसका। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। सही जवाब है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, नेम द इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हु हैज बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर? यंगेस्ट, अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले प्लेयर का नाम आपको मुझे बताना है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा, लियोन मैंडोक, पी एनियन, एम प्रनेश और डी गुकेश। एंड द करेक्ट आंसर इज गाइस, क्या है करेक्ट आंसर? अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू विच कंट्री? यानी आपको पता है मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो भारत में होना था वो शिफ्ट हो चुका है। कहां शिफ्ट हो गया है? न्यूजीलैंड, यूएई, इंग्लैंड, ओमान या बोथ एएनडी? 12 ईयर्स के तो हैं, कितने मंथ्स के हैं? क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो भी 12 ईयर्स के ही थे, बट बस मंथ में डिफरेंस है। ठीक है, तो याद रखिएगा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ये यूएई और ओमान में होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ओके, यहां करेक्ट आंसर ई कर लीजिएगा। राही सरनोबत हैज वॉन गोल्ड वॉन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल इन डैश विमेन्स स्पोर्ट्स पिस्टल इन शूटिंग वर्ल्ड कप बींग हेल्ड इन क्रोएशिया? ठीक है, 4 months, ये 12 ईयर 4 months के थे। सवाल क्लियर है? तो राही सरनोबत इनमें से किस कैटेगरी में खेलती हैं आपको मुझे ये बताना है। ये भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने ओलंपिक में, और ये 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल प्लेयर हैं। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि क्रोएशिया में हुआ, उसमें भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल राही सरनोबत के द्वारा जीता गया था। सुमित मलिक हैज रिसेंटली गॉट
2 year ban for doping. He is related to which sports? सुमित मलिक को 2 साल के लिए बैन किया गया ड्यू टू डोपिंग. ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं ये आपको मुझे बताना है. सवाल क्लियर है? चलिए फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज गाइस रेसलिंग रेसलर. ओके अगला सवाल देखिए. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आपको पता है नाम बदल गया है. इनमें से किसके नाम पर यह रखा गया है? क्लियर है क्वेश्चन मेरा? और आप सबको पता है ध्यानचंद के नाम पर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Which city will host the 2022 AFC Women's Asia Cup? AFC Women Asia Cup इंडिया में होना है. आपको मुझे ये बताना है ये किस शहर में होना है. ओके किस शहर में होना है गाइस? देखिए दोनों अगल बगल के शहर हैं और करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी दैट इज मुंबई एंड पुणे. अगला सवाल देखिए. हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 फॉर उत्तराखंड. उत्तराखंड के लिए भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 इनमें से किसके द्वारा जीता गया है? ठीक है ये अभी रिसेंट की ही न्यूज है. किसके द्वारा जीता गया है गाइस? एंड द करेक्ट आंसर इज लाभांशु शर्मा. यस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर. Who among the following has become India's 69th chess grandmaster? भारत के 69वें ग्रैंड चेस मास्टर कौन बने हैं? तो हमने 68 पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि 69th भी आपको देखने के लिए मिलेगा. तो 69th के विनर कौन है गाइस? ठीक है एंड द करेक्ट आंसर इज हर्षित राजा. यस ऑलराउंडर महमूदुल्ला रियाद हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. ही इज फ्रॉम विच कंट्री? महमूदुल्ला रियाद जो है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. आपको मुझे ये बताना है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. ठीक है तो महमूदुल्ला रियाद आपने इनको देखा होगा ये बांग्लादेश के लिए खेलते थे और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है. साथ ही साथ मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ ये हैं कुछ प्लेयर जिन्होंने इस साल अनाउंस किया है अपनी रिटायरमेंट. एक बार इनको रीड कर लीजिएगा. अशोक डिंडा विनय कुमार उपुल थुरंगा फाफडू डुप्लेसी थिसारा परेरा नमन ओझा धमिक प्रसाद यूसुफ पठान बीजे वेटलिंग केविन ओब्रायन और उसरू उड़ान. ठीक है तो इनको आपको याद कर लेना है ये किस कंट्री से आते हैं. ठीक है क्लियर है मेरी बात? तो कई बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. चलिए अगला सवाल देखते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर इंडियन हॉकी टीम फॉर 10 more years? देखिए सिंपल सवाल है और आपको मुझे ये बताना है अगले 10 सालों के लिए इंडियन हॉकी टीम को इनमें से कौन वापस से स्पॉन्सर करने वाला है. क्लियर है मेरी बात? ओके यहां एक सवाल आया है मेरे पास कि जो हर्षित राजा हैं वो कहां से आते हैं, वो किस स्टेट से आते हैं, किस जगह से आते हैं. ठीक है यहां करेक्ट आंसर ओडिशा है. यस कौन मुझे बताएगा हर्षित राजा जो हैं ये किस स्टेट से आते हैं? असीत माय स्टेट. ओके बताइए मुझे असीत आपका स्टेट क्या है फिर. हर्षित राजा तमिलनाडु. अच्छा और कोई फटाफट मुझे बताइए और कोई. अच्छा सवाल है ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं. अच्छा हर्षित ओके उड़ीसा. ओके 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 गाइस ध्यान रखिएगा हर्षित राजा जो है ना वो पुणे महाराष्ट्र से आते हैं. ठीक है पुणे महाराष्ट्र से. क्लियर चलिए ओके आसित ने माई स्टेट उड़ीसा बोला था. ठीक है चलो
लियोनेल मेसी हैज साइंड अ 2 ईयर डील विथ विच फुटबॉल क्लब आफ्टर लीविंग बार्सिलोना। बहुत 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 लंबे टाइम बाद बार्सिलोना को छोड़ दिया है लियोनेल मेसी ने। आपको मुझे ये बताना है उन्होंने किस क्लब के साथ डील साइन की है। पुणे और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज स्टेट एंड पुणे इज द प्लेस, ठीक है, पुणे शहर है, महाराष्ट्र स्टेट है, क्लियर। पीएसजी, एब्सोल्युटली, तो आपको पता है पीएसजी के साथ 2 ईयर्स की डील साइन की है लियोनेल मेसी ने। और आपको पता ही होगा जब हमने लियोनेल मेसी की बात की तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो वापस से मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गए हैं। ओके, आइए, रिसेंटली क्रिस गेल हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर हाउ मैनी रन इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर तो क्रिस गेल ही हैं। कुछ टाइम पहले इन्होंने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था, यानी कितने रन इन्होंने कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो हम बात करें अगर क्रिस गेल की, तो क्रिस गेल ने कुछ टाइम पहले 14,000 प्लस रन बना लिए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऐसा करने वाले ये दुनिया में इकलौते प्लेयर हैं। Which country will host the 2026 World Badminton Championship? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 जो है वो इनमें से कौन सा देश होस्ट करेगा? Yes, यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। ओके, चलिए फटाफट आंसर देख लेते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, और ये करेगा इंडिया। Who has won the Euro 2020 Golden Boot? Guys, European League Golden Boot और Euro Golden Boot दोनों अलग अलग हैं। Okay? तो Euro 2020 Golden Boot किसने जीता था ये आपको मुझे बताना है, और Euro 2020 Golden Boot जीता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किसने जीता था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। Okay? Who has been named the ICC Men's Player of the Month for July? अब देखिए क्योंकि जुलाई की लिस्ट आ गई है तो हम बात करेंगे सबसे लेटेस्ट की, यानी कि जुलाई की। तो ICC Men's Player of the Month for July, क्योंकि मैं आपको सितंबर नहीं कवर करा रही हूँ करंट अफेयर्स, वो आपको थोड़ा बहुत खुद से कवर करना है, तो जब अगस्त की होगी तो आप उसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बट जुलाई की अगर बात करें तो शाकिब अल हसन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ मैं आपको ये पूरी लिस्ट दे रही हूँ, एक बार ये जुलाई वाली विमेन भी देख लीजिए, स्टेफनी टेलर जो कि वेस्ट इंडीज से आती हैं, ठीक है। डेवन कॉनवेव जो थे वो जून के थे। तो ये है इनिशियल पहली बार वाला, और यहाँ जो लेटेस्ट होगा वो आपको पढ़ लेना है। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। अमित कुमार हैज वॉन सिल्वर मेडल इन द मेन्स 10,000 मीटर रेस वॉक इवेंट ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप इन विच सिटी वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप हैव बीन हेल्ड। यानी अमित कुमार ने मेंस 10,000 मीटर रेस वॉक इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आपको मुझे ये बताना है कि वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप इनमें से किस जगह पर हुआ है। सवाल क्लियर है मेरा? आई होप क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और यहां करेक्ट आंसर क्या है? यहां करेक्ट आंसर है नैरोबी, केन्या। ओके, विच कंट्री हैज वॉन द मेंस वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2021? यानी मेंस वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2021 इनमें से किसके द्वारा जीता गया है? कौन सी कंट्री ने इसे जीता था? डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और स्वीडन। एंड करेक्ट आंसर क्या है आपको मुझे ये बताना है, और यहां करेक्ट आंसर जो है वो है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। इंडिया हैज गॉट होस्टिंग राइट टू होस्ट AFC विमेन्स फुटबॉल एशिया कप इन विच ईयर, ठीक है। अभी मैंने इसके रिगार्डिंग आपको शहर बताया था, यहां मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो अगर सवाल ऐसा आए तो। AFC विमेन फुटबॉल एशिया कप कौन सा, किस साल में भारत में होना है? 23, 21, 22, 25, 24। सवाल क्लियर है? चलो, और अभी मैंने आपको बताया था 2022 होना है, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 इनमें से किस क्रिकेट टीम ने जीता? कर्नाटका, बड़ौदा, तमिलनाडु, रेलवे और बंगाल।
तो देखिए, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली, दो टूर्नामेंट आपको इस साल के याद रखने हैं। और सैयद मुश्ताक अली किसने जीता था? सैयद मुश्ताक अली जीता था तमिलनाडु ने, ठीक है। विच ब्रांड हैज बीन रोप्ड इन एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल फॉर 2021 एडिशन। वापस से ये जो स्पॉन्सर है ये वापस आया, इसको लास्ट ईयर हटा दिया गया था। और आपको मुझे ये बताना है 2021 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर इनमें से किसके पास था, ठीक है। सवाल क्लियर है मेरा? तो आपको पता है वीवो वापस आया और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट द सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? सेकेंड इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ हो रहा है, मतलब कहाँ होगा? तेलंगाना, एमपी, कर्नाटका, असम और उड़ीसा। तो देखिए, अगर आपको पता हो, मैंने आपको यूथ गेम्स बता दिया, ये हरियाणा पंचकुला में होना है। और वहीं अगर हम यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी गेम्स जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। हु हैज क्लिंच द विमेन सिंगल टाइटल एट 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप? यानी 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का विमेन सिंगल किसने जीता? मेन सिंगल जीता है जी सथियन ने, ठीक है। और यहां अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो आपको पता है टेनिस से रिलेटेड एक हमारे टेबल टेनिस में बहुत फेमस प्लेयर हैं, एंड उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा ने विमेन में और मेन्स में जी सथियन, ओके। Which country's women boxer team has finished on top in the Adriatic Pearl boxing tournament in Montenegro? तो Montenegro में क्या हुआ? Adriatic Pearl boxing tournament हुआ। इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री रही है ये आपको मुझे बताना है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, सिंगापुर और म्यांमार। सिंगापुर, अच्छा, और बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज गाइज, वॉट करेक्ट आंसर इज इंडिया। अब देखिए, इंडिया टॉप पर है इसीलिए ये अलग से मैंने सवाल पूछा ना आपसे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन लॉन्ग जंप इन वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2021? वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल इनमें से किसके द्वारा जीता गया है, ठीक है। अमित खत्री, शैली सिंह, मरियप्पन थंगवेलू, टेक चंद और गुरुशरण सिंह। सवाल क्लियर है मेरा? ओके, ये भी न्यूज में था, लॉन्ग जंप इन वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता गया है, सॉरी सिल्वर मेडल जीता गया है शैली सिंह के द्वारा। गाइस, ये बहुत न्यूज में था, गलती नहीं करिएगा। अगला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन विमेन्स 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल इन द फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप? विमेन्स 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल जो कि फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप पटियाला में हुआ था, वो किसने जीता था? ये बहुत न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने दूती चंद को हराकर ये टूर्नामेंट जीता था। और आपको पता है दूती चंद जो है वो हमारे देश की वन ऑफ द बेस्ट एथलीट हैं, ठीक है। दूती चंद यहाँ हारी थी गाइस। करेक्ट आंसर है एस धनलक्ष्मी, ठीक है। एस धनलक्ष्मी ने इसे जीता था, ओके। हु हैज बिकम द हाईएस्ट प्लेयर टू स्कोर 770 गोल्स इन फुटबॉल हिस्ट्री? फुटबॉल हिस्ट्री में 770 से ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर कौन बन गए थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, रोमारियो, जोसेफ बिकेन और सुनील छेत्री, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने नंबर ऑफ गोल्स के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं, पोर्चुगल से आते हैं और अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये खेलते हैं, ओके। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्लेयर इन द हिस्ट्री टू स्कोर 7000 रन इन ODI? ODI में 7000 से ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली वुमेन प्लेयर कौन बनी है? तो यहाँ कोई इनको कम्पीट नहीं कर सकता, अभी तो फिलहाल इनके आसपास कोई भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ हम करेक्ट बात यहाँ बात करें तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है इंडियन वुमेन ODI टीम की कैप्टन मिताली राज।
69th नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन 69th नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुई, जहाँ मेंस कैटेगरी को हरियाणा ने और विमेन कैटेगरी को केरला ने जीता था। ठीक है, मिताली राज वन ऑफ माई फेवरेट। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर उड़ीसा। 69th नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, जहाँ मेन्स कैटेगरी हरियाणा ने जीती है और विमेन्स कैटेगरी रेलवे ने जीती है। Which team has won the Vijay Hazare Trophy 2021 after beating UP in the final? उत्तर प्रदेश को फाइनल में हरा कर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 इनमें से किस टीम के द्वारा जीती गई थी? उस टीम के कैप्टन थे पृथ्वी शॉ। और पृथ्वी शॉ किस टीम के कैप्टन है गाइज, आप सबको पता है पृथ्वी शॉ कैप्टन है मुंबई के। तो विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई ने जीती थी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, तमिलनाडु ने। Who among the following has become the costliest ever player at IPL 2021 auction for Rajasthan Royals? Rajasthan Royals ने अपने auction में अब तक का सबसे महंगा player खरीदा है, किस amount में और किसको खरीदा है? ठीक है, के गौथम, ग्लेन मैक्सवेल, जे रिचर्डसन, बेन कटिंग और क्रिस मॉरिस, आप सबको इसका आंसर पता होगा, स्पेशली वो जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिस मॉरिस गाइस। ठीक है, क्रिस मॉरिस इज द करेक्ट आंसर। साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। एग्जैक्टली मुझे अमाउंट याद नहीं है, अगर मैं अमाउंट गलत बोलूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। आई गेस 16.5 करोड़ में इनको खरीदा गया था। ठीक है, ओडिशा सीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम इन विच डिस्ट्रिक्ट? ओडिशा सीएम यानी नवीन पटनायक साहब ने फाउंडेशन स्टोन रखी भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की, किस जगह पर? हेलो अंश, आई गेस 16.5 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने उनको खरीदा था। ठीक है, चलो फटाफट मुझे इसका आंसर करिए। तो देखिए, जगह अगर मैं बात करूं राउरकेला, स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम सुंदरगढ़। So the correct answer is option number B, Sundargarh. ठीक है, Who has been appointed as the president of Sri Lankan Cricket Board? Sri Lankan Cricket Board के इस वक्त president कौन है, ये आपको मुझे बताना है। Clear है मेरा सवाल? कौन है guys? And the correct answer is option number E, शमी सिल्वा। कौन है? शमी सिल्वा। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द यूरोपियन गोल्डन बूट? मैंने आपको बोला था यूरो गोल्डन बूट और यूरोपियन गोल्डन बूट अलग अलग है, गलती नहीं करिएगा। अब मुझे ये बताइए यूरोपियन गोल्डन बूट किसने जीता था? जब मैं आपसे पूछूं यूरो गोल्डन बूट तब आप आंसर करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट जब मैं आपसे पूछूं यूरोपियन गोल्डन बूट तब आप आंसर करेंगे रॉबर्ट लेवेंडोस्की, क्योंकि ये दिया जाता है जितने भी क्या होते हैं आप जो क्लब वाले फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं ना उसके लिए, और यूरो गोल्ड कप जो दिया गया था वो दिया गया था यूरो कप के लिए। ठीक है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हैव बीन रिनेम्ड आफ्टर डैश। मोहाली हॉकी स्टेडियम जो है इसका नाम अभी किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, अच्छा कोपा अमेरिका जो अभी हुआ था वो उसमें गोल्डन बूट कौन बना था गाइस? सवाल क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम की तो इसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर पड़ा है जो हॉकी के लेजेंड थे। मैंने आपसे पूछा जो कोपा अमेरिका कप अभी हुआ है उसमें गोल्डन बूट कौन जीता था, क्योंकि ये आखिरी सवाल है। तब तक देखिए मैं आपको लिस्ट क्या दे रही हूं, मैंने ये आपसे क्वेश्चंस में करवाया था, यहां मैं आपको कुछ अपकमिंग इवेंट्स जो है उसकी लिस्ट दे रही हूं और कुछ और जो उतनी फेमस न्यूज नहीं है बट मैं आपको कुछ और खबरें दे रही हूं जो आपको रीड कर लेना है एक बार। ठीक है, ओके,
तो यहां मैं आपको 26 और एक्स्ट्रा न्यूज दे रही हूं, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, कोपा अमेरिका कप में गोल्डन बूट किसने जीता, और कोपा अमेरिका कप में गोल्डन बूट जीता है लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना ने ये टूर्नामेंट जीता था, ठीक है। चलो तो इसी के साथ हमारी एक और क्लास खत्म होती है, और हमारा कल का टॉपिक क्या है, कल का हमारा टॉपिक है इंडेक्स एंड रैंकिंग, जो एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है और आपको इसे अच्छे से पढ़कर आना है, अच्छे से रिवाइज करके आना है। अब अगर किसी के कोई डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को मैं यहीं रैप अप करती हूँ। गाइस, ये करंट अफेयर्स रिवीजन कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है आने वाले दिनों में, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, तो अगर किसी के कोई डाउट नहीं है तो कल 11 बजे इंडेक्स और रैंकिंग की जो हमारी क्लास होगी उसको टाइमली अटेंड करिएगा। जीडीपी रेटिंग की लिस्ट मैं आपको गणेश प्रोवाइड कर दूंगी, कोई बात नहीं, एक बार से रिवाइज करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि वहां कुछ ना कुछ ट्रिक भी यूज कर सकें, ठीक है। तो गाइज, अगर सेशन पसंद आया, स्टैटिक जीके शेड्यूल, मैं आपको स्टैटिक जीके का शेड्यूल क्या है वो प्रोवाइड जल्दी ही कर दूंगी, ठीक है। चलिए फिर फटाफट सेशन को मैं यहीं रैप अप करती हूँ, और स्टैटिक जीके का जैसे शेड्यूल बन जाएगा मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो चलिए फिर सेशन को यहीं रैप अप करते हैं गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैम, डिस्काउंट ऑन पैरा 13.2? यस, देयर इज डिस्काउंट ऑन पैरा 13.2 पैकेज। अमनदीप, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार पूछिए, वहां आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पैरा 13.2 पर अभी कुछ ना कुछ डिस्काउंट डेफिनेटली चल रहा होगा, ठीक है। तो जो पैरा 13.2 का टेलीग्राम ग्रुप है एक बार आप वहां मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अमनदीप, कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप, यू विल गेट द डिस्काउंट कोड, ओके, वाउचर कोड यू विल गेट देयर। स्टैटिक जीके की क्लास का शेड्यूल तुषार मैं जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। ओके ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आई विल गिव यू द स्टैटिक जीके शेड्यूल वेरी सून। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।